नमस्कार दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को लेकर। आपको सबको पता होगा आपके पास दोस्तों लगभग 60 दिन बचे हैं। 60 दिन में जो अच्छी खासी तैयारी करेगा वो बच्चा लेके जाएगा वर्दी, और जो तैयारी नहीं करेगा वो दोस्तों फेल होकर सीधा आ जाएगा घर। तो अब की बार यदि आपको वर्दी लेनी है, अब की बार आपको सेलेक्ट होना है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको मैं बताने वाला हूँ कि अब आपके पास 60 दिन बचे हैं, तो 60 दिन में कौन कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बी पार्ट के लिए उल्टी सीधी चीज पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको दोस्तों कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को आप जरूर दबा लेना, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। आपको पता होगा दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम है वो 13 मई से 16 मई के बीच में चलने वाली है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही आता है कि हम क्या रणनीति अपनाएं जिससे हमारा सिलेक्शन हो सके। दोस्तों मैं आपको बता दूं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में क्या क्या पूछा जाता है, आपको कौन से सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ना है और सिलेक्शन है वो कौन सा सब्जेक्ट दिला सकता है। पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ, आपको सबको पता होगा दोस्तों एक तो पूछी जाती है आपकी रीजनिंग। क्या पूछी जाती है दोस्तों? एक तो आपकी पूछी जाती है रीजनिंग के अलावा दोस्तों दूसरा बता दूं कंप्यूटर पूछा जाता है आपका, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं महिला एवं बाल अपराध, क्या पूछा जाता है? महिला एवं बाल अपराध। ये भी दोस्तों आपकी बार बहुत तगड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है, महिला एवं बाल अपराध, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे बाल अपराध। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, इसके अलावा आपसे बी पार्ट के अंदर पूछा जाएगा दोस्तों इंडियन जीके, क्या पूछी जाएगी? इंडियन जीके पूछी जाएगी, इंडियन। इसके अलावा आपको बता दूं करंट जीके, क्या पूछी जाएगी दोस्तों? करंट जीके पूछी जाएगी। इसके अलावा आपसे पूछी जाएगी साइंस, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछी जाएगी साइंस, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं राजस्थान जीके ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब कि रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, महिलाओं बाल अपराध के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, इंडियन जीके, करंट जीके और साइंस, इनको मिलाकर आपके दोस्तों जो बी पार्ट है जो सबसे ज्यादा डर लगता है बच्चों को वहां पर यह पूछा जाएगा। और आपको सबको पता होगा जो डी पार्ट रहता है वो रहता है राजस्थान जीके का, वहां पर आपके 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, एक पार्ट तो ये रहा एक पार्ट ये रहा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं क्या आपको पता है बी पार्ट के अंदर क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों 2018 की वैकेंसी बता दूं मैं आपको, जब ऑनलाइन लगी थी वो रिजेक्ट हो गई थी, लेकिन ऑनलाइन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे बी पार्ट में साइंस के, तो कोई पता नहीं है अब की बार साइंस पूछ ले। गई बार की भर्ती की बताओ दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक या दो क्वेश्चन पूछा गया था साइंस का, तो हमको पता नहीं है कि बी पार्ट में हम क्या पढ़े। क्या आपको पता है इंडियन जीके में बी पार्ट में क्या पूछा जाएगा? पता है आपको? नहीं है ना पता। इसके अलावा क्या आपको पता है कि करंट जीके कितनी पुरानी पूछी जाएगी? गई बार दोस्तों एक साल पीछे की पूछी गई थी, आप पढ़ के गए थे 6 महीने की, तो हमको पता नहीं है ना कब का क्या पूछा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों क्या आपको पता है कि राजस्थान जीके में क्वेश्चन खासे पूछे जाएंगे? गई बात हिस्ट्री के जो राजा महाराजा है वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, तो हमको पता नहीं है। मतलब कि यहां पर आपको थोड़ा सा डाउट नजर आता है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, लेकिन इतना जरूर पता है दोस्तों रीजनिंग के अंदर बिल्कुल फिक्स है। रीजनिंग में आपको दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग, इसके अलावा दोस्तों क्रम परिचय, दिशा एवं दूरी, आकृति गिनना, यही तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग में आप 30 में से 30 क्वेश्चन सही कर सकते हो, ध्यान से सुन लेना, रीजनिंग के अंदर आप 30 में से 30 क्वेश्चन सही कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको यह भी पता होगा कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कंप्यूटर में दोस्तों वही इनपुट आउटपुट मेमोरी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर से थोड़ी आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो 30 क्वेश्चन आप यहां भी सही कर सकते हो और 30 क्वेश्चन आप यहां भी सही कर सकते हो। और महिला एवं बाल अपराध में आपको पता होगा बिल्कुल नॉर्मल पूछी जाती है, जो आपकी किताब है दोस्तों वो ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 पेज की होगी, यदि आप 30 पेज पढ़ लेते हो तो 10 क्वेश्चन आपके यहां पर सही हो जाते हैं। तो मैं कहने का मतलब यह है 30 और 30 60 और 10 70 70 नंबर लाना बहुत इजी है, और आपको पता होगा यदि आप यहां पर ज्यादा ध्यान देते हो ना तो 70 में से कम 65 प्लस नंबर तो लेके आओगे। और यहां पर आप कितना भी पढ़ लो कोई पता नहीं क्वेश्चन कहां से आ जाए। तो मैं तो आपसे यही बोलूंगा दोस्तों, वापस बता देता हूं, ज्यादा आपको फोकस करना है वो 70 नंबर पे करना है दोस्तों। ये 70 नंबर लाना बहुत इजी है, यहां पर से दोस्तों नंबर लाना बहुत कठिन है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि
यहाँ पर दोस्तों मैटर ही आपको पता नहीं है कि इंडियन जीके में क्या पूछा जाएगा। करंट जीके में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, कोई पता नहीं, वो दो साल पीछे का पूछ ले, पूछ सकता है बिल्कुल। इसके अलावा दोस्तों साइंस में क्या आपको पता है क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। साइंस में दोस्तों कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया था हर शिफ्ट में एक या दो, अब की बार पता नहीं कितना पूछ ले। तो बी पार्ट में किसी को कोई पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, तो बी पार्ट पे ज्यादा ध्यान मत देना। बी पार्ट में वो टॉपिक आपको पढ़ना है जो मैंने आपको बता रखा है, वही टॉपिक पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों आप राजस्थान जीके पे भी ध्यान देना, इसके 45 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने 45 क्वेश्चन आएंगे। तो राजस्थान जीके में दोस्तों आपको कला संस्कृति, भूगोल और इसके अलावा दोस्तों क्या हिस्ट्री, ये आपको जरूर पढ़नी है। लेकिन ज्यादा समय जो आपको देना है, मैं आपसे कभी भी ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये मत पढ़ो, ये भी पढ़ो, लेकिन ज्यादा समय आपको यहाँ पर देना है, क्योंकि 70 नंबर लाना बहुत ईजी है यहाँ पर से। और जो बच्चा कंप्यूटर और महिला एवं बाल अपराध करेगा ना, वो सिलेक्शन लेके जाएगा अब की बार। तो मैंने आपको बता दिया ज्यादा समय कहाँ पर व्यतीत करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको कितने घंटे, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 3 घंटे देने हैं यहां पर, आपको सिर्फ 3 घंटे देने हैं। और यहां पर आपको दोस्तों 4 घंटे देने हैं, 4 से 5 घंटे, तब आपका सिलेक्शन हो सकता है। 3 घंटे तो आपको यहां पर देना है, पढ़ाई करनी है ये टॉपिक 3 घंटे में, क्योंकि आपको पता होगा इसमें आपके इंडियन जीके, करंट और साइंस पूछी जाती है, इसको आपको 1.5 घंटा देना है। और अकेली राजस्थान जीके को आपको 1.5 घंटा देना है। और यहां पर आपको दोस्तों कम से कम दोस्तों 3.5-4 घंटे, मतलब 4 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा ये टॉपिक, तब आपके 70 नंबर पूरे हो सकते हैं। मतलब कि ज्यादातर ये भी पूछते हैं कि हम कितने घंटे पढ़े। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब आपका समय हुआ है पढ़ने का, आपको रोजाना 7 से 8 घंटा तो रोजीना पढ़ रहा है, 7 से और 8 घंटा रोजीना पढ़ना है, तभी आप सिलेक्शन ले जा सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया है ज्यादा फोकस कहां पर करना है, नंबर कहां पर आपको लाने पड़ेंगे, वो मैंने आपको बता दिया कि वो टॉपिक पढ़ो जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नंबर बढ़ाना बहुत ईजी है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ईजी नहीं है, कोई पता ही नहीं है, क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, मान लो वहां से क्वेश्चन आए नहीं, तो मैं तो आपसे यही बोलूंगा ज्यादा आपको ध्यान यहां पर देना है। और यहां पर बिल्कुल फिक्स है, यहां पर बिल्कुल फिक्स है कि रीजनिंग के जो 10-15 टॉपिक है वही पूछे जाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर में क्या है, इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड, यही पूछे जाएंगे, इनसे बाहर तो आने से रहा। और इसके अलावा दोस्तों महिला एवं बाल अपराध में आपको 35 पन्ने पढ़ने हैं, ठीक है, आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों कैसे क्या पढ़ना है। इसके अलावा मैं आपको बता दोस्तों पूरी कोशिश करनी है कि आपको समय बर्बाद नहीं करना। ज्यादातर बच्चे हैं जो YouTube पर ज्यादा समय बर्बाद करते हैं, तो मैं तो आपसे यही बोलूंगा दोस्तों, बार बार एक ही बात बोलता हूँ, YouTube पर ज्यादा समय बर्बाद मत करो। सिलेक्शन आपको सिर्फ किताबें दिला सकती हैं, किताबों से ही प्यार करो सिलेक्शन लेना है। तो मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए हैं। रोजाना मेरी ऐसी वीडियो आती रहेंगी जिसमें आपको कोई भी डाउट होंगे, उन डाउटों को ऐसे ही क्लियर करता रहूंगा। तो आपका कोई भी डाउट हो बेझिझक कमेंट करके बता देना, और ये जरूर बताना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके। धन्यवाद दोस्तों, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटे वाले चैनल को जरूर दबा लेना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।